आपको दिखाऊंगी 30 rupees का पिज्जा, दुनिया का सबसे सस्ता पिज्जा और वो भी मुंबई में। तो गाइस चलो देखते हैं पिज्जा कैसे बनता है, इसकी मेकिंग दिखाते हैं आपको। और फिर मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा वर्थी होने वाला है 30 रुपए में का पिज्जा है, मैंने कभी नहीं देखा। हां तो देखते हैं, टेस्ट भी करके बताती हूं कैसा है यार ये 30 रुपए का पिज्जा। तो यहां पे हरी चटनी और रेड चटनी डाले ये पिज्जा में छोटा, और इसके बाद ये थोड़ी वेजीज, 30 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है। और ये स्पाइसेस, ज़्यादा ही सस्ता नहीं होगा, मतलब नहीं मिलता आजकल 30 रुपये में पिज्जा हो। तो इस तरीके से बड़े पिज्जा है तो इनका प्राइस जो है 40 रुपीज़ है, लेकिन हम ले रहे 30 रुपीज़ वाला। तो ये कुछ देखो 30 रुपीज़ वाले में चीज़ भी आता है। तो ये देखिए गाइस, ये जो है ये वाला 40 वाला मिलता है जो सेम रहता है लेकिन थोड़ा बड़ा रहता है, काफ़ी वर्थ इट है, मतलब प्राइस इसमें थोड़ा सा इन्होंने, हाँ काफ़ी वर्थ इट है। तो ये हमारा बन रहा है इधर, तो देखो यहाँ पे चीज़ भी डाला जाता है, सही है ना गाइस। देखिए आपने कभी इतना सस्ता पिज़्ज़ा, तुम्हें तो लग रहा है इंडिया में सबसे सस्ता पिज़्ज़ा यही मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये बटर लगाते हैं थोड़ा सा, और बटर लगाने के बाद इसको यहाँ पे डाल दिए और इसको कर दिए बंद। बस थोड़ी देर 5-10 मिनट लगते ज़्यादा। ये देखो हम 30 वाला ही लिए हैं। तो गाइस ये हमारे 30 रुपए और ये हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, ठीक है। तो मैं आप... एक बच्चे के साथ शेयर करूंगी पिज्जा। हाँ लो बेटा, तो मैं लेती हूँ, लो पैकेट। तो हमें यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली, हाँ वो ले लो तुम। हाँ आकांक्षा बताएंगी हमको टेस्ट करके कैसा है। कितना गर्म है? बहुत गर्म है, बहुत टेस्टी है। हाँ फुल बाजी थे, फुल बाजी। अरे मैं चापने नहीं खाए ना। अरे आपने तो खाया भी नहीं है। अच्छा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा चलो, हम बच्ची को भी पसंद आया, और ये इधर हमारी बच्ची, इसको ये मस्त लग रहा है। फुल वर्थ इट है यार, 30 रुपए में पिज्जे के मजे, चीज के साथ। चलो सही है, सही है। भैया एक बार एड्रेस बता दीजिए ना अपना। रीगल टॉकीज के सामने, सरकारी भंडार के नीचे। रीगल टॉकीज के सामने सरकारी भंडार के पीछे, और एक कोलाबा पड़ता है ना, ये कोलाबा मुंबई। तो गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको 30 रुपीज का पिज्जा और 40 रुपीज का पिज्जा।